गन्ने की ही एक ऐसी खेती है जो किसान को प्रॉफिट की तरफ लेके जा सकती है। मान लिया अगर सूखा रहता है तो भी ये उसको सहन कर लेती है, बारिश ज़्यादा होगी तो भी उसको सहन कर लेगी, और अगर भगवान ना करे किसी के खेत को अगर आग भी लग जाती है तो भी वो कम से कम अपना खर्चा तो दे के जाएगी। सुरेन जी आपका स्वागत है न्यूज पोर्टली पे। ये यात्रा बहुत दिन से पेंडिंग थी, मतलब 5-6 साल में थी कि कभी न कभी आना ही है। तो साथियों यहाँ पे हम क्लियर कर दें कि हम 2-3 चीज़ों बात करने वाले हैं और वो आपको समझें। पहली तो हम बात करने वाले हैं कि गन्ना किसान की जो अर्निंग है वो कैसे बढ़े, तो उसके 2-3 फार्मूले आपके हैं, हम उन पर बात करें। हम यहाँ पे 1000 कुंटल या 500 कुंटल उन पर बात नहीं करेंगे, बल्कि हम ये बात करेंगे कि जो किसान है वो कैसे न्यूनतम लागत में अपनी खेती को बेहतर कर सके। मैं सुरेंद्र कांत, फरीदाबाद हरियाणा का रहने वाला। बेसिकली हमारे पास 35 एकड़ ज़मीन है जिसमें हम 10 से 15 एकड़ गन्ना रखते हैं। गन्ने की औसत पैदावार हमारी 400 के आसपास रहती है हमेशा ही, बाकी उसमें हमारी लागत कम रहती है। एवरेज पे हम काम करते हैं, हाई यील्ड पे हम कभी काम नहीं करते, लो कॉस्ट कल्टीवेशन हमारा मेथड है। लागत हमारी एज ऑन एवरेज अगर जाएंगे तो 25,000 के आसपास रहती है एकड़ पे, जिसमें हार्वेस्टिंग अलग रहती है, हार्वेस्टिंग से अलग 25,000। बाकी किसानों का ज़्यादा जाता है वो 40 से 45,000 रुपये तक उनकी लागत रहती है। हम लागत में पैसे बचा लेते हैं, वही हम अपनी सेविंग मानते हैं। हाई यील्ड पे जाके ज़्यादा लागत लगा के जो इनकम जो होती है, मैं उसे इनकम नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि जो हम उसमें कॉस्ट में जो सेविंग करेंगे वो हमारी सेविंग रहती है। खेत की तैयारी तो देखो सभी किसान अपने हिसाब से करते हैं, अपनी ज़मीन के हिसाब से होती है। फिर आता है सबसे पहले सीड। हमारा जो सीड रेट है वो मैक्सिमम 15 क्विंटल जाता है एकड़ पे, और किसानों का 30 क्विंटल 35 क्विंटल तक जाता है, क्योंकि वो 2.5 फिट पे, मतलब 30 इंच पे रो रखते हैं, हम 4.5 फिट पे रो रखते हैं। उसमें सीड क्वालिटी, जब आप कोई चीज़ ज़्यादा चाहिए आपको तो उसमें क्वालिटी आप मेंटेन नहीं कर पाओगे, कोई चीज़ अगर आपको कम चाहिए तो उसमें आप क्वालिटी पे ध्यान दे पाओगे और क्वालिटी इंप्रूव कर पाओगे। सीड की क्वालिटी अच्छी रहेगी तो उसमें हमारा जर्मिनेशन 100% तक आ जाता है, जिसमें आगे फसल अच्छी होने की संभावना अपने आप ही रहती है। अगर उसमें 10-20% हमारा बाद में कोई लॉस होता है किसी वजह से, तो उसकी रिकवरी हमारी उसमें रहती है, क्योंकि जर्मिनेशन हमारा पूरा है। अच्छे सीड का मतलब है वैरायटी, वैरायटी वो जो आपके खेत में आपके पानी में जो सूट करती हो। जो सीड का जो एज है वो 8-9 महीने का मैक्सिमम, अगर देसी भाषा में बोलें कम मिठास वाला गन्ना, जिसमें मिठास ज़्यादा ना बना हो, वो गन्ना सीड के लिए हो, उसमें कोई बीमारी ना हो, जैसे बोरर ना हो, किसी तरह का कोई फंगस ना हो, उस तरह का सीड को अच्छा सीड बोलेंगे, और वो बीज के लिए अच्छा रहता है। हाँ, गन्ना तोड़ के किसान, मतलब जो गन्ने का जो किसान है खेती कर रहा है वो चीज़ है समझ जाएगा आसानी से। सिंपल रेजर 4 फिट पे या 4.5 फिट पे हम रो रखते हैं, और उसमें सिंगल रो पे सिंगल वर्ड या 2 वर्ड सेट, 3 आँख वाला गन्ना नहीं डालते हम, 2 आँख वाले ही गन्ने की बिजाई करते हैं। हमारी नर्सरी हमारे के मौसम में सूट नहीं करती हमें, क्योंकि पहले हमारे बरसात ज़्यादा रहती है, उस पर नर्सरी तैयार करना मुश्किल है, ज़्यादा बारिश की वजह से ज़मीनों में फंगस रहती है, वो चल नहीं पाती। अगर इस टाइम पे करते हैं तो टेम्परेचर एकदम हाई जाता है हमारे यहाँ पे। अभी समझो हम रात को कम्बल ओढ़ते हैं, 15 दिन बाद हमें एसी की ज़रूरत पड़ेगी, तो नर्सरी हमारे यहाँ कामयाब नहीं है, ना हम नर्सरी करते हैं। तो ये गन्ना हमारे यहाँ पे एक फैक्ट्री है, पलवल में शुगर मिल है, कोऑपरेटिव है, और किसानी अगर आपको करनी है तो आप वो फसलें लगाएंगे जिनके आपके पास मार्केट हो, आसानी से बेच पाओ। और दूसरा, आजकल देखो रेट का बड़ा क्राइसिस है, जिसका आपको MSP है, गन्ने का MSP है और मार्केट हमारे पास है, तो इसलिए हम गन्ने की तरफ गए। इसमें किसी भी तरह का मौसम हो उसको फसल झेल लेती है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट का इशू कोई नहीं रहता है, ठेके पर लेबर आती हैं, सेंटर पर सप्लाई डाल दो, 15 दिन में पेमेंट, इसलिए हमने गन्ने को अपनी मतलब मेन क्रॉप गन्ने की बनाई। किसानी की भाषा में साइंटिफिकली तो चाहे कुछ भी है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी फसल के लिए कि भाई कंपलसरी कि इतना खाद आपको देना ही देना है। खाद जो है वो डिपेंड करता है आपके क्लाइमेट पे, आपके पानी पे, आपकी ज़मीन पे। अगर आपकी ज़मीन मजबूत है तो आपको ज़्यादा एक्सेस खाद डालने की ज़रूरत ही नहीं है, थोड़े खाद में आपकी फसल अच्छी हो जाएगी। या आपका पानी अच्छा है, मीठा पानी है, तो भी आपकी फसल, ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है आपको। एक रहता है टाइमिंग का, अगर आप
सही टाइम पे गन्ने की फसल लगाओगे तो भी आपको ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको पूरी ड्यूरेशन चाहिए। 12 महीने की फसल है, 12 महीने अगर हम इसको पूरा देंगे तो भी इसको खाद की ज़रूरत नहीं है। ये तो है नहीं कि हमें 2 महीने में फसल निकालनी है। दूसरे, खाद हम लाइनों पर डालते हैं, 4 फिट पर हमारी बिजाई रहती है, 4.5 फिट पर रहती है, उसमें जो भी हम फर्टिगेशन करते हैं वो करते हैं लाइनों पर, ब्रॉडकास्टिंग नहीं करते कि मतलब कट लिया बैग और ऐसे छीटा मार के निकल गए खेत से। तो अगर मान लिया आप छीटा मार के एक बैग 50 किलो DAP अगर डालते हो और लाइनों के लिए आपको 25 किलो से 30 किलो DAP पर्याप्त मात्रा में रहेगी और वो उससे अच्छे रिजल्ट आएंगे उससे। तो जो भी फर्टिगेशन है हम लाइनों पे ही करते हैं। खरपतवार का जैसा भी मौसम रहता है, प्री और पोस्ट दोनों में कर लेते हैं जो सूटेबल हो। अब गर्मी ज़्यादा है तो प्री का हमने कोई नहीं दिया ऐसे केमिकल, अब हम देंगे इसको पोस्ट। जब खरपतवार उग जाएंगे, पानी लगा, नमी बना के खेत में, उसके बाद डालेंगे तो एक ही बार में कंट्रोल हो जाएगा। इससे हमारी जो लागत है लेबर की वो घट जाती है। बाकी लोग नहीं कर पाते हैं टाइम पे, खरपतवार ज़्यादा हो जाती है, लेबर्स निकलवाएंगे, लेबर से अगर कराओगे तो उसका कीमत बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ेगी और उसका फसल पे भी इफेक्ट आएगा। और अगर वीड कंट्रोल आपने कर लिया मान लिया 90% तक और एक नहीं कर पाए तो उसमें कम से कम 15 से 20% तक की आपकी जो यील्ड है वो कम हो जाएगी वीड होने की वजह से। हाँ, खर्चा बढ़ेगा, यील्ड कम हो जाएगी। अगर मान लिया एवरेज यील्ड आप 400 क्विंटल मानते हो गन्ने की और वीड कंट्रोल नहीं कर पाए तो आपका 40 क्विंटल गन्ना कम से कम कम रहेगा खेत, मतलब 350 क्विंटल पे आपकी यील्ड रुक जाएगी। फिर उसके लिए लेबर से अब अगर आप मतलब गुडाई कराओगे कस्सी से या वैसे तो कम से कम 3 बार कराना पड़ता है। वो तो हम पहले करा देते हैं ये चीज़, 3 बार कराने का मतलब है कम से कम 6,000 रुपये, ठीक है ना। उसके बाद भी फसल में नुकसान हो जाता है। और अगर केमिकल से करते हैं या टाइम पे कर लेते हैं तो उसमें 500-600 रुपये या 700-800 तक जाती है, उससे ऊपर कॉस्ट जाती नहीं है केमिकल की और 100% कंट्रोल भी रहता है और क्रॉप भी बढ़ती है। देखो, किसी भी काम को करने के लिए इम्प्लीमेंट तो आपको चाहिए, अगर आप कुछ लिखोगे तो आपको पेन कागज़ चाहिए, ठीक है ना। खेती करनी है, जिस भी खेती में जाओगे, मान लीजिए आप गन्ने की खेती करनी है तो उसके लिए आपको गन्ने बिजाई के लिए रेजर चाहिए, जुताई के लिए कल्टीवेटर चाहिए, मिट्टी चढ़ाने के लिए फिर अर्थिंग अप के लिए अलग से इम्प्लीमेंट चाहिए। तो इम्प्लीमेंट तो मस्ट, बहुत ज़रूरी है इसके लिए, बगैर इम्प्लीमेंट के तो कोई काम नहीं कर पाएंगे हम। देखिए, गन्ने की खेती, जितना मैं खेती को समझ पाया हूँ, गन्ने की ही एक ऐसी खेती है जो किसान को प्रॉफिट की तरफ लेके जा सकती है। सबसे पहली बात, मान लिया अगर सूखा रहता है तो भी ये उसको सहन कर लेती है, बारिश ज़्यादा होगी तो भी उसको सहन कर लेगी, और अगर भगवान ना करे किसी के खेत को अगर आग भी लग जाती है तो भी वो कम से कम अपना खर्चा तो दे के जाएगी, क्योंकि आग लगने की जो टाइमिंग है ना वो उस टाइम पे लगती है कि जब फैक्ट्री चालू रहती है आपकी, और फैक्ट्री रिकवरी बेस पे उस गन्ने को ख़रीद लेती है। इसलिए और सब फसलों से गन्ने की खेती प्रॉफिट वाली है। फिर रेट फिक्स है इसका, और ज़्यादातर गन्ने की जो ख़रीद है वो टनेज पे होती है, क्वालिटी बेस पे नहीं होती है। आपको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेनी है, पैसा आपको टनेज पे मिल जाएगा। कोई इसमें बीमारी भी इतनी बड़ी नहीं है, जैसे एक रेड रोट को अगर छोड़ दें हम, उसके अलावा कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जो इसको मतलब 100% लॉस कर दे या 50% पर ले आए, लॉस में नहीं जाएगा किसान इससे। और इवन अगर रेड रोट भी आता है ना तो वो भी गन्ना आपका बिकेगा एक बार, तो उसकी भी कीमत मिलेगी। हाँ, बाकी बिच जाएगा वो, आपको फैक्ट्री लेगी उसे। किसान को ना गन्ने की खेती में सबसे पहले ज़्यादा वैरायटी तरफ नहीं भागना चाहिए, सिर्फ अपना केस स्टडी करना चाहिए हमें, भाई हमारी ज़मीनों पे हमारे पानी में कौन सी वैरायटी अच्छा उत्पादन दे रही है, ठीक है। गन्ना ज़्यादा जाता फैक्ट्री को ही है सभी जगह, तो उसमें ज़्यादा वैरायटी की तरफ भागने जरूरत नहीं। 1-2 वैरायटी ट्रायल के लिए ज़रूर रखें अपने पास, पर ये नहीं कि 10-20 वैरायटी ले ली या किसी भी औने पौने रेट पर कहीं से ख़रीद ली, उस तरफ नहीं जाना चाहिए। और अभी तक की जो वैरायटी है, मोस्ट ट्रस्टेड वैरायटी तो 200-038 ही रही थी, उसके बाद अभी 15-023 आई है, आपने लखनऊ से या शाहजहाँपुर से कई सारी वैरायटी निकली हैं, बाकी ट्रस्टेबल अभी कोई नहीं है। 15-023 रिकवरी वाइज तो अच्छी है, बाकी किसान के फेवर में अभी वैरायटी आई नहीं, क्योंकि अभी किसी भी किसान के रिस्पांस अच्छे नहीं है। एक तो इसमें गिरने की समस्या है, गन्ना बहुत सॉफ्ट है, इसमें चूहे या जंगली जो पशु हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। गंधाई गन्ने की नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गन्ना जो है इसको बढ़वार के लिए फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए इसको पत्तियाँ चाहिए, बांधते हैं तो पत्तियाँ इसकी इकट्ठी होकर सूख जाती हैं। जितना गन्ना खुला रहेगा उतना अच्छा रहेगा, और उसमें कीमत भी बढ़ती है। बंधाई की अगर आप गन्ने की कराओगे तो कम से कम 3 बंधाइयाँ करानी पड़ती हैं, 3 बंधाइयों का खर्चा होता है 6,000 रुपये, और चाहे कितना भी परफेक्ट लेबर हो और कितना ही परफेक्ट किसान हो, 10% तक का लॉस उसमें जाता है गन्ना बंधाई होने से। और फिर वही एवरेज पे बात करते हैं, अगर 40
400 क्विंटल अगर आप एक एवरेज यील्ड मान के चलते हो तो 40 क्विंटल गन्ना तो 100% लॉस होगा आपका, और 40% गन्ना नेक्स्ट ईयर तो मतलब 16,000 रुपये का गन्ना हो जाएगा, 16,000 का सीधा सीधा लॉस है जो आपकी मतलब प्रॉफिट जाएगा वो। देखिए एक एकड़ पे ना 40,000 गन्ने चाहिए हमें मी लेवल के। अब कम से कम अगर हम करते हैं, अगर एक फिट पे, चार फिट पे हमारी रो है और एक फिट पे हम एक बड़ लगाते हैं तो 10,000 के आसपास हमारी बड़ बनती है एक एकड़ पे, ठीक है। उनमें से अगर 10% का हमने लॉस लगा लिया, 10,000 बड़ लगाई, 9,000 हमारी बड जर्मिनेट होती हैं और एक बड़ पे फिर हमें चार गन्ने चाहिए एज ऑन एवरेज, 4 से 5 गन्ने, ठीक है जी। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो आप 4-5 गन्ने मैनेज कर लोगे, नहीं तो 8 से 10 टेलर आने चाहिए एक बड़ पे। उसमें से भी फिर अगर फिर वही 10% का गेम है, 10-15% अगर हमारे उसमें लॉस भी होता है तो हमारे 5-6 की एवरेज आ जाएगी जिसमें हमारे 40 से 45 हज़ार गन्ने मिलेबल हो जाएंगे, और उस पर इतने अगर गन्ने रहते हैं तो फिर हमारी 400 के अराउंड तो आराम से आ जाएगी। नहीं, अगर आप 10,000 बड़ एक एकड़ पे प्लांट करते हो ना तो फिर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी एवरेज 400 के प्लस तो आएगी। नहीं, गन्ने का सिर्फ एक तो आपको टाइम पे सोइंग करनी है और सीड क्वालिटी अच्छी दे देती है, उसके बाद वीड कंट्रोल कर लो आपके 400 पहुंच जाओगे। पर ऐसे है ना, हमने अपने टाइम फिक्स कर रखे ना। अब देखो इतने हम 10-12-15 साल से मैं गन्ने का काम कर रहा हूँ तो इतना तो इसका स्टैटिक समझ में आया ही है भाई, इसको टाइम चाहिए। सबसे पहले गन्ने को चाहिए टाइम पूरा अपना मेच्योरिटी के लिए, उसके बाद आता है वीड, क्योंकि हमारे क्षेत्र में वीड बहुत ज़्यादा होते हैं। वीड कंट्रोल कर दो, चाहे जैसे भी करो, केमिकल से करो, मैकेनिकल करो, मैनुअल करो, जिस तरह से आप अपनी कॉस्ट बचा सकते हो। जब आप सीड अच्छा डालोगे, टाइम पर डालोगे, वीड कंट्रोल करोगे तो नेचुरल है कि वो टिलर्स तो उसमें आएंगे। टिलर्स आने के बाद फिर रहती है उसको भाई इंसेक्ट से कैसे बचाओगे, जिसके लिए अब बहुत सारे केमिकल हैं आपको मार्केट में, उनका टाइम पर इस्तेमाल करो। बंधाई करानी नहीं है तो 400 क्विंटल के अराउंड आती है पैदावार। जब आप कोई भी काम करोगे तो अवार्ड तो आपको कुछ ना कुछ मिलता ही है, बाकी गन्ने के ने बहुत कुछ दिया है। गन्ने का हाईएस्ट यील्ड के लिए मुझे हरियाणा के गवर्नर ने अवार्ड दिया था 25,000 रुपये, और पूसा से फेलो फार्मर मिला है मुझे, और भी कई सारे अवार्ड हैं। शुगर मिल से तो जब भी कोई फंक्शन होता है तो फर्स्ट अवार्ड मेरे लिए रहता है। और सुरेंद्र कांत से मेरा काफ़ी पुराना परिचय है, क्योंकि ये बहुत पुराने ग्रोवर हैं, प्रोग्रेसिव किसान हैं। इनकी जैसी पैदावार पलवल एरिया में शायद ही कोई एक आध किसान हो जो इनके बराबर लेता हो। आज भी इनकी फसल जैसी फसल और मेरे ख्याल से किसी की भी नहीं मिलेगी। मैं पूरे एरिया पलवल शुगर मिल के में घूमता रहता हूँ तो मुझे इस तरह का पैदावार लेने वाला किसान अभी तक कोई मेरी नॉलेज में नहीं आया है। और ये तो एक किस्म से इनको ये समझ लो कि रिसर्चर हैं, एक तरह से रिसर्च भी करते रहते हैं, तरीके अलग अलग तरीके से बिजाई करनी और अलग अलग बीज लाने, महाराष्ट्र से हो चाहे पुणे से हो कहीं से भी हो, बाहर से बीज ले लेके आते हैं। नहीं नहीं, आज भी इनके पास मेरे ख्याल से 8-7 वैरायटी के लगभग होंगी, जो कि हो सकता है कि हमारे यहाँ अभी तक पास भी ना हुई हूँ पलवल शुगर मिल में। ये दूसरे स्टेटों से बीज ला करके गन्ना लगाते हैं, और हालांकि अभी सारी ही फसलें ये ठीक लेते हैं, बाकी मैं ज़्यादा गन्ने के बारे में ही बता पाऊँगा।